गोहर थाने में दर्ज नकली करेंसी और चर्च खरीद मामले में खुलासा हुआ है कि चारों लॉ कॉलेज के छात्र रोहतक में ओमैक्स के किराए के फ्लैट में एक साथ रहते थे और घूमने के लिए कार न होने पर नकली करेंसी के सहारे रात-रात अमीर बनने का ख्वाब पाल रहे थे। चर्स पीने के आदि होने के चलते उन्होंने मलाना से चर्स खरीदकर इसे ऊंचे दामों में बेचकर लग्जरी कार रखने का प्लान बनाया और पहले से ही मलाना से चर्स ले जाने के लिए आते रहे। चारों ने मिलकर प्लान बनाया कि अनपढ़ देवा से चर्स खरीदी जाए और उसे नकली नोट देकर लाखों रुपए कमाकर कार खरीदी जाए। इसके लिए सबसे पहले अंकित ने प्लान दिया कि चर्स से पैसा कमाया जा सकता है और दिल्ली निवासी प्रवेश ने कहा कि मेरे घर में मेरे पिता का कलर प्रिंटर है, जिससे उसने कुछ दिन पहले 100 रुपए का नकली नोट निकाला जो कि मार्केट में चल गया था, उसे ही नकली करेंसी निकालने के लिए प्रयोग में लाया जाए। चारों अंकित, चाणक्य, विक्रांत और प्रवेश प्रिंटर दिल्ली से अपने किराए के फ्लैट में ले गए और 1 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल तक करीब 6 लाख रुपए के केवल 2000 रुपए के नोट छाप डाले। नकली करेंसी के मामले में गत दिवस को मंडी पुलिस की टीम गोहर थाना में गिरफ्तार की दोनों छात्रों को कुल्लू जिला के कसोल ले गई, जहां पर ये छात्र होटल में 14 अप्रैल को ठहरे थे। पुलिस ने दोनों आरोपी छात्रों से अब ये उगलवाने की कोशिश की जा रही है कि आरोपी कहां छिपे रहे हैं और नकली नोट छापने का कारखाना कहां पर लगाया हुआ है। डीएसपी हितेश लखनपाल ने बताया कि पुलिस जाली करेंसी मामले के फरार आरोपियों के बेहद करीब है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस दोनों छात्रों से ये उगलवाने की कोशिश कर रही है कि उनके दो अन्य दोस्त चाणक्य शर्मा और अंकित कहां पर रह रहे हैं। फेक करेंसी मामले में हमने दो गिरफ्तारियां की थी, इसमें एक विक्रांत और प्रवेश नाम के व्यक्ति हैं जो हरियाणा और दिल्ली से संबंध रखते हैं। इनको 7 दिन का पुलिस रिमांड मिला है। अभी हमारी टीम जो है इसमें दो व्यक्ति और इन्वॉल्व हैं, उनके पीछे जो है हम लगे हुए हैं और जल्दी उसमें और गिरफ्तारी होने की संभावना है। अभी टीम्स कुछ हमारी दिल्ली भी रवाना हुई है और इसमें आगे जो है इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। ये पूरा मामला इस तरह से है कि ये चार लड़के थे, इन्होंने डिसाइड किया था कि यहाँ पे जो फेक करेंसी इन्होंने छापी थी, एग्जैक्ट अमाउंट अभी ये क्लियर नहीं बताते हैं, 6-6.5 लाख के आसपास, ये मलाना में आके इन्होंने 2 किलो जो चरस खरीदी और ये अपने वापिस जो अपने जहाँ पे एमडीयू रोहतक से ये लॉ कर रहे हैं, 4th ईयर लॉ के स्टूडेंट हैं, वहाँ ये गए। पर आया था इसमें भी ये देखने में आया है कि जो फेक करेंसी है उन्होंने यहाँ पे चरस खरीदने के लिए इस्तेमाल किया।